फाइनली गाइस हम बाहर निकलने वाले हैं गांव से, और देखिए हमारे साथ एक सर भी है। अस्सलाम वालेकुम, तो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस ये वीडियो मुहर्रम का, जो 10वीं मुहर्रम उसका सेकेंड पार्ट है, और ये पहले वाले से काफ़ी इम्प्रेसिव है। तो गाइस काफ़ी लोग निराश थे हमसे, मैसेज भी करते रहते हैं और कमेंट्स भी करते हैं कि इतना लेट क्यों कर रहे हो। तो मैं उन लोगों से या सबसे ही क्षमा चाहता हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो लेट के लिए, क्योंकि मेरे पास कंटेंट्स बहुत ज़्यादा है, बट टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं एडिट करूं और पोस्ट करूं। सो कोशिश यह है कि 40वें तक का फाइनली पूरा कर दूं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो गाइज देख के बिना आइए वीडियो को शुरू करते हैं, और आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि वीडियोज को देखने के बाद आप लोग पर्सनल रिवेंज ना लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वीडियोज में ऐसे बहुत सारे क्लिप्स देखने को मिलेंगे जो लोगों को बहुत सारी चोट्स आई है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो गाइस यहाँ पे दोनों गोल एक साथ मिल चुकी है। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे ना कि भुनाडी का ऐसे दो लाठी चार लाठी है, अब देखिए भुनाडी की लाठी कितनी है और भुनाडी का क्या माहौल है गाइस। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, मैं यहाँ पे जरा जज्बाती हो गया था, क्योंकि कुछ लोग काफी निगेटिव कमेंट्स किए थे स्टार्टिंग की मातम को देख के, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ प्रोटेक्टर्स भी हैं जो जो केज लाठी कराते हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं दूसरों से। और यहाँ पे क्या खूबसूरत एक साथ दोनों ताजिया लग रही है, और माशाल्लाह ये तो धूप काबिल तारीफ है। और गाइस ये तो अभी बस शुरुआत है, यहाँ से लगातार मातम होते मतलब लोग थकेंगे नहीं, आप देखिएगा लास्ट तक। और यहाँ पे काफ़ी लोग जमा हुए हैं छत के ऊपर से भी नीचे, हर तरफ से बहुत प्यारा व्यू है, मतलब बहुत ज़्यादा ही एक्साइटमेंट। तो गाइस फाइनली अब गोल मिल चुका है, और फिर हमारे गांव का जो शानदार जो माहौल है मुहर्रम का, वो अभी देख सकते हैं आप यहाँ पे। चलिए थोड़ा रिस्क तो है, बट क्लोज से आपको दिखाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे हर एक लोग एक्साइटेड होके आए हुए हैं देखने के लिए, बट अभी हम दिखा नहीं सकते उन लोगों को। गाइस ये देखिए, ये है अभी छोटा सा माहौल हमारे गांव का, अभी कुछ देर में बिगड़ने ही वाला है। स्टेप बाय स्टेप हम आपके साथ बने हैं, तब तक आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जो भी करना है कीजिए। और देखिए बिगड़ चुका है माहौल, फिलहाल बिगड़ चुका है, देखिए दिखाते हैं क्लोज। तो गाइस दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि अब जो होने वाला है शायद ही आप देखेंगे इस टाइप का। वैसे तो हर गांव में ऐसा व्यू आपको देखने को मिला होगा, बट यहां जो है बहुत यूनिक है, बहुत इंप्रेसिव, क्योंकि जो होता है वो स्क्रिप्टेड होता है, बट यहां पे जो है वो बहुत ऑसम, ये सिर्फ यही कर सकते हैं। देखिए और ये यहाँ लोगों की सपोर्ट, क्या ही बात हुआ। और देखिए गाइस यहाँ से फिर से गोल तैयार है आगे जाने के लिए, लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये जज्बात माशाल्लाह हमेशा ही देखने को मिलता है लोगों के बीच। Thank you.
मुकाबले में है और कुछ लोग काफी आगे निकल चुके हैं। देखिए अब लोग जज्बात में धीरे धीरे आएंगे और मतलब ये व्यू बहुत औसम है भाई। ये देखिए यहाँ नीचे से लोग काफी भीड़ में है, काफी ज्यादा तादाद और वहाँ का थोड़ा सा बहुत जबरदस्त सीन दिख रहा है आपको। और दोस्तों हम जहाँ पहुँचने वाले हैं वहाँ पे परसों से कुछ ना कुछ इतिहास रहा है यहाँ का, तो दिल थाम के बैठिए क्योंकि मैं यहाँ के थोड़ा सा एक दिखाने वाला हूँ आपको। ये देखिए अब यहाँ पहले कुछ ना कुछ ज़रूर होता था क्योंकि यहाँ पे लोग ऑब्जेक्शन करते थे यहाँ से एंट्री के लिए, और फाइनली अब ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बहुत ही शांति से हम लोग गए। पिछली बार तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हो जाता था, मतलब हर बार ही कुछ ना कुछ होता था, बट इस बार नॉर्मली सब लोग चले गए हैं। इस बार उतना फोर्स भी नहीं आई है, बट यहाँ पे पहले आने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगी होती थी। ये आपको मैं दिखा दूँगा एक थोड़ी सी, और यहाँ आप देखिएगा लोगों की जज्बातें और लोगों की जो यहाँ आप देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे प्रशासन कुछ वीडियो कैमरा के लिए लगी हुई है हर एक मोबाइल कैप्चर करने के लिए कि अगर कुछ दिक्कतें आती है तो उनको मतलब वीडियो के माध्यम से उसके एक्शन लेने के लिए, बट इस बार ऐसा कोई बात नहीं है, सब कुछ काफ़ी नॉर्मली। कुछ सीनियर्स लोग हैं जो एक्टिव हैं एकदम सबको नॉर्मल करने के लिए, जो ज़्यादा ही अट्रैक्ट होंगे। तो बहुत प्यारा भी है, ये भी वीडियो ही कर रहे हैं और हम भी देखिए नीचे का माहौल है अभी। अब हम लोग गाँव से बाहर निकले धीरे से, बहुत तगड़ा माहौल है यहाँ का भाई। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा कुछ होगा, ये देखिए माशाल्लाह असली जो शान है यहाँ दिख रहा है भाई। छोटे बच्चे तिरंगा लिए खड़े हैं यहाँ पे, इस्लामी झंडा लिए है, और यहाँ माता भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई। यहाँ पे हो चुका है, आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं गोल, और ये देखिए सबसे आगे यहाँ पे झंडे हैं और उनके पीछे गोल और उनके पीछे ताजिया। क्या ही औसम व्यू है गाइस, ओ वाकई काबिले तारीफ व्यू है यहाँ का, फैंटास्टिक। टेंशन मत ले, वीडियो आई जबरदस्त।
ए भाई ऊपर मत रहो सन है लड़का नीचे उतर जो देखिए अब यहाँ से भी हम लोग अब निकलने ही वाले हैं। अब यहाँ का भी कार्यक्रम अब चलेंगे असली फील्ड पे वहाँ। तो गाइस हम अभी नीचे से बहुत रिस्क लेके आए हैं यहाँ पे और हम ताजिया के नीचे हैं। यहाँ का व्यू देखिए, ये भी एक मस्त बहुत व्यू है गाइस। देखिए और ये भी बहुत ऑसम व्यू है यहाँ का। अब हम लोग पासवान टोली क्रॉस करने वाले हैं और उसके बाद हम लोग फील्ड पहुंचेंगे। और काफ़ी देर से ये लोग लगातार मातम कर रहे हैं 3 घंटे से, तो बहुत ज़्यादा थके हुए हैं ये लोग भाई। फिर भी पता नहीं कैसे एनर्जी इन लोगों में आ रही है, लगातार मातम किए ही जा रहे हैं सब। धूप में इतना स्ट्रगल बहुत खतरनाक साबित हो रहा है, बट कोई नहीं, एक्स्ट्रा एनर्जी आ रहा है यहाँ पे, एक्स्ट्रा जोश आ रहा है लोगों में। और आप देख सकते हैं लगातार मातम हो रहा है, बट एनर्जी है लोगों में। फाइनली गाइस इस तरह से हम लोग फील्ड पे एंटर करने वाले हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगा हम लोग यहाँ तक आने के लिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ा और फाइनली हम लोग ग्राउंड पे आ चुके हैं। अब ग्राउंड होगा वहाँ आप देखेंगे, बहुत जबरदस्त है। देखिए सब लोग काफ़ी थके हुए हैं, एनर्जी की ज़रूरत है, बट एनर्जी लोग चाहिए नहीं लग रहा है। फाइनली अहमद भाई भी अपना सीट करवा के यहाँ पे मातम किए हैं बहुत तगड़ा। और इस तरह से और दिलशाद भी आज कखड़ा में उतर ही गया है इस तरह से, नीचे तक सो गए थे। और बहुत ही मजा आया यहाँ तक। अब आगे का सफर अब देखिए वो भी भयानक होने वाला है, क्योंकि आगे रोजा रहकर मातम करना। सही बात है, अरमान भाई रोजा है, अरमान भाई की तरह सैकड़ों लोग यहाँ पे रोजा है, फिर भी आप इतना खतरनाक मातम देखेंगे।